बिहार से हमारे बीच में जो मेरा छोटा भाई आया है, बिहार प्रदेश हमारा समधाना है। कैसे? घर घर में रामचरितमानस है, हर घर में। और रामचरितमानस मेरे पुरखों के सबसे बड़े फकीर अलमस्त वाल्मीकि जी ने, तुलसी जी ने लिखी है, और उसमें माता सीता का वर्णन किया है। माता सीता कहां से? बिहार से। बिहार से हमारे घर की बहू आई है, और उस प्रदेश से, उस सरजमीन से, बिहार से हमारे बीच में मेरा भाई आया हुआ है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, उसका स्वागत कीजिएगा। और उसका एक कारण भी है, देखिए हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, समध्याने का कैसे स्वागत करते हैं। भगवान राम भगवान कब बने? जब वो राजमहलों में रहे तब नहीं बने, जब वो वहां से निकले, जंगल के कष्ट झेले, रावण को मारा, लौट के आए 14 वर्षों बाद, तब कहीं जाके पुरुषों में उत्तर, यानी शबरी के पास अगर राम जाएंगे तो राम बनेंगे। ऐसे राम की अर्धांगिनी माता सीता की जन्मभूमि से हमारे बीच में मेरा छोटा भाई आया है। मैं अपूर्व से निवेदन करूंगा, और आपकी तालियां एक बार आग्रह और कर दें। माँ सरस्वती को नमन करता हूं, माँ गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण, और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की तरफ से बीसलपुर की इस पावन वसुंधरा को सलाम पेश कर स्वीकार कर। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा आपका, सबसे छोटा काव्य पाठ करूंगा, परंतु आदरणीय वर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय सुरेंद्र गंगवार जी बैठे हैं, दोनों राजनीति के लोग हैं, उनको ये सूचित करना चाहता हूं और आपकी तरफ से कि कविताएं, शायरी, साहित्य, अदब कभी भी सियासत का समर्थन नहीं करता है। जिस दिन कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। 6 पंक्तियां अपना परिचय आपके समक्ष रख रहा हूं, और इन 6 पंक्तियों पर आप मुझे बता दें कि मुझे आपके बीच कितनी देर खड़ा रहना है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और हमारा भारत देश घायल कब कब होता है? सिर्फ सीमाओं पर घायल नहीं होता, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा खड़ी दी जाती है, और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रोक दिया किसान को, चैनलों ने भी जब जब राग तरपारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और जब मैं यहां मैं कहता हूं, इसका मतलब यहां उपस्थित तमाम बड़े कवि और शायर जो समाज को आईना दिखाते हैं, आदरणीय लिखने की कोशिश तो बहुत की श्रृंगार पर, अभी भैया बोल भी रहे थे कि पढ़ देना कुछ, परंतु जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें विधायकों के घर से वापस आई हैं, जब झोपड़ पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर तेज जबां को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, बादी कलम की नोक से हमने इंकलाब लिखा है।
बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। आदरणीय, ये देश हमारा और आपका नहीं है, ये देश हमारे पुरखों की जागीर नहीं है। इस देश को आजाद हिंदुस्तान में तब्दील करने के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अभी भाई ने जिक्र भी किया, उनके खून का कर्ज आपके माथे पर बाकी है और वो कर्ज आप जब तक नहीं चुकाएंगे इस मुल्क को अपना हिंदुस्तान कैसे कह सकते हैं। आप कर्जदार हैं इस मुल्क में, लेकिन उस कर्ज को चुकाना तो दूर, हम उसका अपमान तब करते हैं जब कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं सिख, कहीं ईसाई, कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं वर्ग में आपस में बांट लिया जाता है खुद को। मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु ये सत्ता, ये सरकारें, ये विपक्ष, ये पक्ष, ये मोदी जी का 10 मिनट तक अटकना और तमाम बातें, ये आज कल 5 साल 10 साल की हैं। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, ये मत भूलिएगा। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान भी नहीं था, हमने 4 वेदों की रचनाएं कर दी थी। इस मिट्टी से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहा जाता है, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और, सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी कण के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान है, इसीलिए मैं उन कुर्बानों को याद करता हूं और उनके सरनेम से नहीं, उनके कागज से नहीं, उनके प्रमाण से नहीं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, बदन पे बधी थी बेड़िया दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम खतरे में भी भारत जिंदाबाद था। बहुत अच्छी। फिर भी आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं, और एक पहल कीजिएगा आदरणीय वर्मा साहब और आदरणीय सुरेंद्र गंगवार जी, जब भी आप सदन में पहुंचेंगे मजबूती के साथ एक बात अपने साथियों से कहिएगा कि वो इस देश में कुर्बानियों का सम्मान करें या ना करें, शहीदों का सम्मान करें या ना करें, शहीदों का अपमान करने की इजाजत उनको मत दीजिएगा। ये देश आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ा रही है, आजाद हो गया 14 अगस्त मध्यरात्रि, 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए, आजादी हमारी झोली में आ गई, ऐसा नहीं हुआ था। मैं सेल्यूलर जेल की छत पर कविता सुना के आया हूं, वहां जाइए, भारत का एक तीर्थ है, भारत का एक हज है, दर्शन कीजिए अपने वीरों के, क्या क्या कुछ झेला उन्होंने। सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से आजादी नहीं मिली थी हमको, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज वजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था, भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन उन कुर्बानों के साथ हमने किया क्या? 75 साल के आजाद हिंदुस्तान की एक शर्मनाक तस्वीर आपके समक्ष रख रहा हूं। जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे, जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है,
उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मचवाया है। उस बर्तन तक मचवाया है और एक पंक्ति सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, आपको संभालनी है। जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, बिस्मिल साहब की बहन। जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर। चुन चुन गुंडे भेजे हमने लोकसभा की चौखट पर। हमारे एक बहुत बड़े कवि हैं, चंबल से आते हैं, तेज नारायण बेचैन साहब। उन्होंने लिखा, तो तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए। चंबल की गलियों में अब कविताएं लहराती हैं, जितने भी थे हमने चुनकर दिल्ली डाकू भेज दिए। बहुत अच्छे, ये हकीकत है इस मुल्क की। इसलिए राजनीति से अलग, आपके धर्म, आपकी जाति, आपके वर्ग से अलग, उससे ऊपर उठकर एक संकल्प आपको दिला रहा हूं। आप भाजपा के हो, सपा के हो, कांग्रेस के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ पंक्तियां पसंद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, परंतु भारत माता की वंदना में अंतिम पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं और आपसे रुखसती ले रहा हूं। ये भारत की तरुणाई के हस्ताक्षर है उस संकल्प पत्र पर, जिस पर हमारे वीरों ने अपने लहू से इस देश की कहानी लिखी है। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके हैं फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरे हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक अस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।